व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बी डेविल। सो गाइस, ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जिसे देखने के बाद आई एम श्योर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो कहानी शुरू होती है और हम हीवॉन नाम की लड़की को देखते हैं जो हर रोज की तरह अपनी जॉब से घर की तरफ जा रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को बेरहमी से मार रहे हैं। वो चिल्ला के सबसे मदद मांगती है, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। आखिर में वो लड़की हीवॉन के पास भी मदद मांगने आती है, पर वो भी औरों की तरह अपना कार का शीशा बंद कर लेती है। वेल, ये सीन हमें कहीं ना कहीं आज की सच्चाई, आज के समाज की सच्चाई बताती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे अपने ऑफिस में देखते हैं। दरअसल वो एक बैंक में जॉब करती है। वेल, यहाँ उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है, वो उसे कुछ लोन मांग रही थी, पर हीवॉन साफ साफ मना कर देती है। वो लेडी उसके सामने हाथ जोड़ती है कि अगर उसे ये लोन नहीं मिला तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, पर हीवॉन फिर भी मना कर देती है और कहती है कि बैंक आपको पहले ही लोन दे चुका है, अब और लोन आपको नहीं दिया जा सकता। पर वो लेडी वहाँ से बाहर नहीं जाती, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वहीं इसी उम्मीद में बैठी रहती है कि शायद हीवॉन का दिल पिघल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। उल्टा वो उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से बाहर जाने को कह देती है। लेकिन उसी ऑफिस में एक और लड़की काम करती है जिसे उस लेडी पर दया आ जाती है। वो उस लेडी की मदद कर देती है जिससे वो बूढ़ी लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब इस बारे में हीवॉन को पता चलता है तो वो उस लड़की से सीधा बोल देती है कि तुम इस तरह से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मुझे पता है कि तुम मैनेजर के साथ टाइम बिताती हो जिससे वो तुम्हारी सारी बातें मान लेता है, लेकिन ये गलत बात होती है। अब इतना सुनने के बाद भी वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों, हीवॉन नाराज़ हो गई थी कि अब वो लड़की उसके बॉस की नज़रों में अच्छी बन जाएगी। वेल, थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे सॉरी का मैसेज भेज देती है। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो उसे पता चलता है कि बाहर से किसी ने डोर को लॉक कर दिया है। वो देखती है कि बाहर वही लड़की खड़ी है, वो उसके स्लीपर्स देख लेती है। अब हीवॉन बड़ी मुश्किल से बाथरूम से बाहर निकलती है और इसी चक्कर में वो गिर भी जाती है। अब इस बात से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाहर आकर सबके सामने उस लड़की को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। वो लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। इसी दौरान हीवॉन देखती है कि वहाँ काम करने वाली एक औरत ने भी सेम उसी तरह के स्लीपर्स पहन रखे थे, यानी कि गेट उस लड़की ने नहीं बल्कि किसी और ने बंद किया था। अब हीवॉन की इस हरकत पर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कुछ दिन की छुट्टी के लिए बोल देता है। हीवॉन यहाँ से सीधा घर आती है, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वो घर पर रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब तक उसकी लीव खत्म नहीं होती उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब इसी बीच उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि कहानी की शुरुआत में जो लड़की हीवॉन से मदद मांग रही थी अब उसकी मौत हो चुकी है और हीवॉन को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। अब आखिरी विक्टिम हीवॉन ही होती है, पर वो भी उन लड़कों को पहचानने से इनकार कर देती है और उसे अच्छे से पता था कि खून इन्हीं लड़कों ने किया है, पर वो फिर भी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर जाते टाइम उस लड़की के डैड हीवॉन के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसे भीख मांगते हैं कि वो गवाही दे दे ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब जाते टाइम वो लड़की उसके पास आकर उससे भी धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने कुछ बोला तो वो उसे भी मार देंगे। अब हीवॉन को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। वेल, अब घर आने पर उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो किम नाम की लेडी ने उसे सेंड किए थे, लेकिन वो उसे बिना पढ़े ही फेंक देती है और उसके साथ होने वाली चीज़ों से अब वो परेशान हो चुकी थी। वो सबकी मदद करना चाहती थी पर न जाने क्यों वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अब इस समय पे उसके साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ वो ये सब बातें शेयर कर सके या फिर एडवाइस ले सके। वो पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है कि वो कहाँ जाए, और अगले दिन वो फैसला करती है कि वो अपने दादाजी के आइलैंड पर जाएगी जहाँ उसका पूरा बचपन बीता था। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त किम भी रहती है जिसने उसे वो सब लेटर्स सेंड करे थे, यानी कि वो आज भी उसे अपना दोस्त मानती है, लेकिन हीवॉन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो बोट से उस आइलैंड पहुंच जाती है जहाँ उसका वेलकम उसकी फ्रेंड किम करती है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और गले से लगा लेती है। किम के चेहरे पे स्माइल तो थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारे दर्द छुपे थे। अब वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किम को एक पागल का दर्जा दे दिया है। यहाँ तक कि बोट का ड्राइवर उसे कहता है कि अपने गंदे हाथों को हीवॉन से दूर रखो, उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन किम को इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, उसकी बचपन की दोस्त आई है और इससे ज़्यादा उसे खुशी कभी नहीं हुई। इसके बाद वो उसे लेके उसके दादाजी के घर की तरफ जाती है, पर बीच में उसे किम के कुछ रिलेटिव्स मिलते हैं जिसमें उसका पति मैन जोंग और उसका हस्बैंड का भाई चू जोंग भी होते हैं।
अब यहाँ चैंग हिवॉन को बहुत बुरी नज़र से देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ से वो घर आ जाती है, जहाँ किम की बेटी योन उसके पास आती है और उसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख के किम उसे समझाती है कि इसे नहीं पता कि अजनबियों से कैसे बात करते हैं, ये 10 साल की हो गई है लेकिन अभी तक स्कूल नहीं जाती है। मैं इसे स्कूल तो भेजना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो नहीं चाहती थी कि उसकी भी हालत किम जैसी हो जाए। किम यहाँ कैसे जी रही है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर में चैंग और योन फिशिंग करने चले जाते हैं, तब उसका ड्राइवर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन किम को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये उसके लिए अब आम सी बात हो गई थी। थोड़ी देर में जब चैंग घर वापस आता है तो उसकी बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि उसकी बीवी के साथ जो भी हो रहा है उसे सब कुछ पता है, लेकिन जब किम इस बारे में और लोगों को बताने की कोशिश करती है तो वो उसे जानवरों की तरह पीटता है, मारता है। पर यहाँ दिल दहलाने वाली बात ये होती है कि उसी रूम के बाहर उसकी बेटी आराम से बैठकर फ्रूट खा रही थी, उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा इसलिए था कि शायद उसे ये सब बचपन से होते हुए देखा है और उसे लगता है कि ये एक नॉर्मल सी बात है जो उसके डैड हर रोज़ उसकी माँ के साथ करते हैं। अब यहाँ चैंग उसे जानवरों की तरह काम करवाता है और उसकी माँ को लगता है कि सारे काम चैंग कर रहा है, वो तो किम को निकम्मा तक समझती थी। किम ये सब रोज़ झेल रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी, मुंह में जबान होते हुए भी वो गूंगी थी और हर रोज़ इस दर्द को सहती जा रही थी, वो बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिवॉन की जिंदगी एकदम विपरीत थी, वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही थी और तभी उसके पास चू जोंग आता है। यहाँ उसकी नीयत सही नहीं थी और हिवॉन भी इस बात को भांप लेती है, वो अपने हाथ में एक चाकू रख लेती है। अब चू जोंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर युआन आ जाती है और उसे देख कर चू जोंग वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही हिवॉन चैन की सांस लेती है। अब यहाँ युआन और इसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। कुछ देर बाद वो उसे लेके अपने घर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि किम घर के बाहर बैठी है और बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। कमरे के अंदर उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन ये किम के लिए बहुत ही आम सी बात हो गई थी। लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ उसकी बेटी आ रही है तो वो भागकर उसके पास जाती है और उसे जाने को बोलती है, क्योंकि भले ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है लेकिन वो अपनी बेटी पर इन सब की आँच भी नहीं आने देना चाहती थी। अब कुछ देर बाद वो लड़की बाहर आकर किम से बात करती है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। उस लड़की को ये बात पता है कि किम यहाँ से भागकर सियोल जाना चाहती है, लेकिन जब वो इस बारे में उसे पूछती है तो वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पिता से दूर हो जाए। वो लड़की किम से कहती है कि तुम इस जानवर के साथ कैसे रह सकती हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए। वेल गाइस, अभी जो हमने देखा उसे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे इंसान सिर्फ एक ही चीज़ का भूखा है और ये बात हमें थोड़ी देर में कंफर्म भी हो जाती है जब चैंग के जेब से उसकी बेटी का इनर वियर मिलते हैं, जिसे देख के किम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फौरन अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ वो देख के हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी मेकअप कर रही होती है और उसे पूछने में पता चलता है कि ये सब उसके डैड ने उसे ला कर दिया हुआ है ताकि वो उस लड़की की तरह खूबसूरत बन सके, जिसके बाद वो उसे और भी प्यार कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चैंग किस तरह का इंसान है। ये सारी बातें सुनकर किम अपनी बेटी को डांटती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये प्यार वो प्यार नहीं है, इसमें इंसान को जानवर की तरह रखा जाता है। अब वो कुछ और कह दी कि तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी को किम गलत चीज़ समझा रही है, इसलिए वो अपनी बेटी के सामने उसे मारना चालू कर देता है और रूम से बाहर भगा देता है। लेकिन जाते समय वो देखती है कि चैंग उसकी बेटी को गलत इरादे से छू रहा है। वो फौरन एक चाकू लेकर आती है, लेकिन तब सिचुएशन कुछ और थी, सब कुछ नॉर्मल था। एक बेटी अपने बाप के गोद में बैठी थी और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किम को ये अच्छे से पता था कि जो उसके साथ अभी हो रहा है वो आगे जाकर उसकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अब एक माँ की ममता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, वो हिवॉन के पास जाती है, शायद वो उसकी बात समझ पाए। और यहाँ किम देखती है कि वो पैकिंग कर रही है, पूछने पे पता चलता है कि वो कल सियोल वापस जा रही है, उसकी लीव खत्म हो चुकी है। तो किम उसे पूरी बात बताती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती है, उसे लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है और वो बस उसके साथ यहाँ से जाने के लिए ये सारी कहानियाँ बना रही है। अब किम उसके सामने हाथ जोड़ दी और कहती है उसे नहीं तो कम से कम उसकी बेटी को इस नर्क से दूर ले जाए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनकी बातें कोई और भी छुप कर सुन रहा है।
वो कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट डे जाने से पहले ही वॉन एक बार युआन से मिलने जाती है, लेकिन आज वो कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। वो बस बार बार हिवॉन के ब्रेस्ट पर हाथ रख रही होती है। ऐसा करते देख हिवॉन उससे कहती है कि ये क्या कर रही हो। अब उसका जवाब सुनकर वो पूरी तरह से हिल जाती है। युआन का कहना था कि एक लड़की को इसी तरह से प्यार किया जाता है। अब ये सुनकर हिवॉन को रात वाली बात याद आ जाती है जो किम ने उसे बताई थी। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड भी इसी तरह से तुम्हें प्यार करते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन 10 साल की लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जिसका मतलब हिवॉन समझ जाती है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर किम की मदर इन लॉ आ जाती है जिसे हिवॉन इस बारे में बात करती है, तो वो कहती है कि वो एक नंबर की झूठी है, उसे बस मेरे बेटे ने कैसे भी करके अपने पास रखा हुआ है। युआन तो उसकी बेटी तक नहीं है, वो पहले एक भिखारी थी। ये सब सुन के हिवॉन को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है। उसे समझ आ गया था कि यहाँ के हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं। वहीं दूसरी ओर किम ने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। वो पहले तो कुछ पैसे चुराती और फिर अगले दिन एक बोट पर बैठकर वहाँ से जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर भागना इतना ही आसान होता तो वो कब का भाग चुकी होती। वेल, हम देखते हैं कि बोट उसके पास आ चुकी है और यहाँ हम देखते हैं कि भागने में उसकी वही लड़की मदद कर रही होती है, लेकिन जो बोट का ड्राइवर होता है वो चैंग का अच्छा दोस्त था। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ भाग रही है, वो जानबूझकर देर करता है जिसका फ़ायदा उठा के वहाँ चैंग पहुँच जाता है। अब जो सीन आता है वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चैंग किम को घसीटते हुए किनारे पर ले जाता है और उसे जानवरों की तरह पीटता है, और कुछ देर बाद वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर उसे बचाने के बजाय वो लोग और बोलते हैं कि इसे और मारो और मारो। देखकर युआन रोने लगती है और अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन चैंग इतनी जोर से धक्का देता है कि उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब किम ने इतना सब जिसके लिए झेला था, आज उसके सामने ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ किम का जो दर्द है वो देखकर आप भी रोने लगेंगे। इसके बाद तो मानो किम के अंदर कुछ बचा ही नहीं था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उसे गांव वाले भी युआन को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास थे, पर ये बस कुछ ही देर के लिए होता है। जैसे एक पुलिस वाला आता है, सारे लोग उल्टा इल्ज़ाम किम पर ही डाल देते हैं और चैंग को बचाने लगते हैं। किम बहुत कोशिश करती है कि सच बाहर आ सके। वो बार बार कह रही थी कि उसके पति ने ही उसकी बेटी को मारा है, लेकिन वहाँ खड़े लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ हिवॉन आती है जो किम की एक आखिरी उम्मीद थी। अगर वो हाँ कर देती, वो गवाही दे देती, तो शायद चैंग को उसके किए की सज़ा मिल जाती। लेकिन हिवॉन ने किम की सारी उम्मीद तोड़ दी। वो कहती है कि उस समय वो सो रही थी, और ये सुनते ही किम पूरी तरह से टूट जाती है। आज उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी उसे धोखा दे दिया। अब वो ऑफिसर को कोई भी गवाही नहीं मिलती, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि किम ने अपनी बेटी को अपने घर के बाहर ही दफना दिया था। वहीं दूसरी ओर हिवॉन अब सियोल जाने के लिए निकल रही थी, पर उसे यहाँ कुछ और दिन रुकना होगा क्योंकि जिस बोट से वो जाने वाली थी वो पहले ही जा चुकी है। उसे वापस आना पड़ता है। और इधर हम देखते हैं कि किम की ज़िंदगी अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो पागलों की तरह खेत में काम करती है बिना रुके बिना सोए हुए। पर एक दिन ऐसे ही वो काम करते करते अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वो सूरज की तरफ देखती है और फिर एक एक करके वहाँ बैठी सारी औरतों को मार डालती है। जी हाँ दोस्तों, सभी औरतों का गला काट कर मार देती है जिसमें उसकी मदर इन लॉ भी थी। अब उसका सबर का बांध टूट चुका था। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। किम को अब किसी बात का डर नहीं था, इसलिए उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब कुछ समय बाद जब सारे आदमी काम कर वापस आते हैं, तो वो उन्हें भी एक एक करके मारना शुरू कर देती है। एक आदमी का तो वो सर काट कर पेड़ पर रख देती है। और थोड़ी देर बाद अब चैंग का नंबर होता है, अब वो चैंग पर भी हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर हिवॉन आ जाती है और उसे देख लेती है, और इसी का फ़ायदा उठाकर चैंग किम को पकड़ लेता है और उसे बांध के घर लाता है और बहुत मारता है। उसके सामने हिवॉन भी थी, वो हिवॉन को पकड़ लेता और कहता है मैं तेरी दोस्त को भी मार डालूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि किम उसे सेड्यूस करने लगती है और चैंग उसकी बातों में आ जाता है, और तभी वो उसकी उंगली चबा जाती है और वो रुकने वाली नहीं थी। वो वही चाकू उसके पेट में घुसा देती है और कुल्हाड़ी से बुरी तरह से उसे मारती रहती है। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। आज उसने सालों का बदला ले लिया जो उसकी बेटी और उसके साथ हो रहा था। अब यहाँ हिवॉन मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसकी बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी यहाँ किम पहुँच जाती है और वो ड्राइवर को पकड़ लेती है और उससे भी जान से मार देती है, क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाई थी। लेकिन तभी हिवॉन की बोट चालू हो जाती है और वो वहाँ से निकल लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किम एक नए हुलिये में आइलैंड से बाहर आती है, पर वो अभी सियोल नहीं पहुंची थी। वो थोड़ी दूर पे एक गांव में जाती है
जहाँ एक जेल में हिवॉन है, पर उसके हाथ में हथकड़ियाँ होती है। जब उसकी आँख खोलती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि किम बैठी थी, जिसे वो बचकर यहाँ तक आई थी। वो उसी के सामने आज बैठी हुई है और उसे पता था कि वो उसे मार कर रहेगी। अब हिवॉन यहाँ से डर कर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला जो जख्मी था वो किम को शूट कर देता है, लेकिन वो उसे भी मार डालती है। अब फाइनली उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब किम जैसे तैसे करके हिवॉन के पास जाती है, पर जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, हिवॉन उसके गले में वही बांसुरी घुसा देती है जो उसने बचपन में किम को गिफ्ट करी थी। अब मरती हुई किम उसकी गोद में जाकर लेट जाती है और उसे बांसुरी बजाने को कहती है। वो अपने बचपन के पलों को याद करती है जब दोनों कितने खुश थे, और इसी पल वो उसकी गोद में दम तोड़ देती है। हिवॉन उसके हाथों को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब इस हादसे ने हिवॉन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, उसे बदल दिया था। उसने जो गलतियां करी थी उसका गिल्ट तो उसे हमेशा रहेगा। अब सियोल आने पर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो उन लड़कों के खिलाफ गवाही दे देती है जिन्होंने कहानी की शुरुआत वाली लड़की को मारा था, क्योंकि अब हिवॉन उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद वो घर आकर उन्हीं लेटर्स को पढ़ती है जिन्हें किम ने भेजा था और एक टाइम पे उसने फेंक दिया था। उस लेटर को खोलते हुए किम का दर्द उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो बार बार उसे कह रही थी, उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे आकर यहाँ से ले जाए। उसकी बहुत उसे याद आ रही है, उसे यहाँ लोग बहुत मारते हैं। पर हिवॉन अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी थी कि उसे किम के दर्द को समझने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब शायद उसे समझ आ गया है, उसने जो किया उसकी माफ़ी उसे ऊपर जाकर भी नहीं मिलेगी। अगर उस रात हिवॉन किम की बातों पर यकीन कर लेती तो हमारे सामने आज का दिन कुछ और होता। लेकिन अब उसे इस गिल्ट के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। अंत में वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और हमें वही आइलैंड दिखाया जाता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इमोशनल कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।